और जी बिल्कुल, और लिखा है जी फौजी लिखा हुआ है ऊपर, फौजी फ्रेश, बिल्कुल फौजी फ्रेश लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम सोए होते हैं तब हमारी फौज मटर छील रही होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। और लगता यही है देख करके, अब हमारी फौज ने जो है हर बिजनेस ले लिया जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, मतलब हमारी फौजी करते हैं, पैंपर बन। साइन करा के ले लो, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इतना शोर मचा है ना कि जनाब पंडोरा पेपर में ये निकल आया और पंडोरा पेपर में वो निकल आया, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ताकतवर तबके तबके को कुछ भी नहीं होता। वो मुल्क लूट लें, वो हमारी जेबें झाड़ के सब कुछ इसमें से निकाल लें, हम पर तरह तरह के टैक्स लगा दें। तो इस वीडियो में आरजू काजमी बात कर रही हैं पाकिस्तान की फौज के बारे में। पाकिस्तान की फौज, आपको पता होगा, इस तरीके के कांड करने में मशहूर है। उनका बहुत सारा बिजनेस होता है पाकिस्तान में। एक मतलब प्लॉटिंग को लेकर आया था कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने पाकिस्तान में एक कॉलोनी बनाई थी और वो प्लाट पहले से ही बुक होकर बेच दिए थे, लेकिन वो कॉलोनी कभी बनी ही नहीं। उसको लेकर एक काफ़ी ज़्यादा मतलब 3-4 साल पहले हुआ था विवाद और वो पैसे वापस नहीं हुए थे। इसी तरीके से ये मटर वाला कांड तो बहुत छोटा है। आरजू मैम जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने खुद का मटर लॉन्च कर दिया है और बड़े ही ट्रोल करते हुए ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज मटर छील रही है, लेकिन इससे बड़े बड़े कांड पाकिस्तान की फ़ौज ने किए हैं। आसिम बाजवा, आपने नाम सुना होगा, उनका खुद का मतलब बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी पिज़्ज़ा वाला बिजनेस है US में और ये पापा जोन्स नाम से फेमस है। पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मतलब अपोजिशन के लीडर हैं, वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट भी मारते रहते हैं कि भाई पापा जोन्स के वीज़ा पिज़्ज़ा हमें भी खिलाओ, इस तरीके की बात करते रहते हैं। और ये सबको पता है पाकिस्तान में, ऑफिशियल तौर पर सबको पता है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है ले देकर आखिरी में जो मेन पावर है उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फ़ौज ही मेन पावर है और सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इलेक्ट नहीं किया गया है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, ऐसा पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां बोलती हैं। तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है। ये तो इनडायरेक्टली आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि पाकिस्तान में जो सब कुछ चुनाव वगैरह है वो फेक होते हैं, जिसको पाकिस्तान की फौज की लाने की इच्छा होती है वो ले आते हैं और बस कहानी बन जाती है। दोस्तों पाकिस्तान के जो रिटायर्ड जनरल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मशहूर हैं पाकिस्तान में। रिटायरमेंट के बाद वो बाहर रहने को सोचते हैं, आपने देखा होगा जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो फौज के लोग हैं वो कनाडा में जाकर बसे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए जी, ये जो मैं आपको पिक्चर अब दिखाने लगी हूँ, और इसको आप देख सकते हैं कि इस पे जो है वो आपको मटर नजर आएंगे। और जी बिल्कुल, और लिखा है जी फौजी लिखा हुआ है ऊपर, फौजी फ्रेश, बिल्कुल फौजी फ्रेश लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब हम सोए होते हैं तब हमारी फौज मटर छील रही होती। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। और लगता यही है देख करके, अब हमारी फौज ने जो है हर बिजनेस ले लिया जी। प्रॉपर्टी का बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, मतलब हमारी फौजी करते हैं, पैम्पर बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, सीरियल बनाते हैं, फौजी सीरियल, पता नहीं क्या कुछ बनाते हैं। अब बस ये मटर छीलना रह गया था। वैसे ये काम बेस्ट करते हैं इसलिए कि मुझसे तो मटर ही नहीं छीले जाते। अब तो अच्छा है ना, हम अपने फौजियों से कह के मटर भी छिलवा सकते। कमाल ही हो गया जी, ये तो मेरे लिए तो जिंदगी आसान हो गई, इसलिए कि मुझे तो मटर बड़े पसंद है। और मैं तो कई बार आप लोगों से भी कह चुकी हूँ, अगर किसी के पास टाइम है तो प्लीज आके मेरे घर पे मटर छील दें। लेकिन आपको जरूरत नहीं, अब हमारे फौजी मटर भी छील के देंगे। ऐसी क्या बात है, कोई इंडियन फौजी थोड़ी है कि बस सरहद पे खड़े रहे और बस, उसके अलावा कोई काम नहीं इंडियन फौजियों के। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी चाइना के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, कभी इधर पाकिस्तान की तरफ खड़े हो जाते हैं कश्मीर बॉर्डर पे आके। हमारी फौज देखिए, हमारी फौज तो मटर भी छीलती है, तो अच्छी बात है ना, मटर भी छीलने चाहिए, ऐसी कौन से मसला हो गया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं, वरना आप लोग तो हर बात को नॉन सीरियस ले रहे होते हैं। साथ ही साथ जी, इमरान खान साहब का, जैसे मैंने पहले कहा था, उनका कहना है कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें। बिल्कुल यही कुछ सुनने के बाद जो है हुआ ये है कि जी तालिबान ने कह दिया है कि जी ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल करनी है वहाँ की खवातीन को, यहाँ की वहाँ की वुमेन को, लेडीज़ को, तो वो विदाउट हिजाब नहीं जा सकती और कोई ना कोई मेल रिलेटिव भी साथ होगा,
तभी वो ट्रांसपोर्ट यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगी। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी तालिबान तो बदल गए, तालिबान तो वो तालिबान है ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक कहती है, ये वो तालिबान नहीं है जो पहले थे, ये उससे भी ज्यादा बदतरीन तरीके से सामने आए हैं, उससे भी ज्यादा बुरी हरकतें इनकी हैं। तो बिल्कुल ये वो तालिबान नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई शक्ल है। और अब हमें भी ये भुगतना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सऊदी अरब ने हमें तो लगा दिया जी जिहाद करने पे, और खुद वो यूरोपियन बनने चले, और उनके जो MBS है उनका कहना है कि जी अगले 5 साल में सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। जी बिल्कुल सऊदी अरब यूरोप बन जाएगा और हम अफगानिस्तान बन जाएंगे, हमारे यहाँ वही शटल कॉक बुरके चल रहे होंगे और ये लितर पड़ रहे होंगे, लितर पड़ रहे होंगे मैं पंजाबी में, मतलब कोड़े पड़ रहे होंगे, मतलब जो वो मार रहे होते हैं ना लेडीज को, उस तरह की कोई हरकतें मुझे यहाँ पाकिस्तान में होती हुई नजर आने लगी है। मेरा ख्याल है कि मैं 9-2-11 हो जाऊं, लेकिन कैसे, इसलिए कि पाकिस्तान से जो है वो तो आप कोई वीजा ही नहीं देता जी, वो कहते हैं पासपोर्ट देके कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी है ठीक है उधर ही बैठी है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह की बातें तो हम करते ही रहते हैं जी। खान साहब को आपको पता है कि तरह तरह की बातें करने का की आदत है, और हर तरह की, तो उनके मिनिस्टर्स की शक्लें कुछ ऐसी हो जाती हैं जब खान साहब स्पीच दे रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब को देखें कितने गौर से वो खान साहब को सुन रहे हैं। बाकी तो हमारा माई बाप जो है और सऊदी अरब का भी जो माई बाप है वो डॉलर है, तो बिल्कुल डॉलर लेने के लिए हम चारों तरफ भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि खान साहब ने ये भी कह दिया है कि जी महंगाई को कंट्रोल करना होगा, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने, जैसे आजकल सर्दियां है ना तो अंडे बड़े महंगे हो गए, तो इमरान खान साहब का कहना है कि जी तमाम अपने जो कैबिनेट है उसको कि जी पाकिस्तान में अंडे सस्ते कीजिए, चाहे अंडों की कीमतें कम कीजिए, चाहे अंडे खुद देने पड़े। सॉरी ये खान साहब ने नहीं कहा, ये पता नहीं तुम लोग क्या लिख के रख देते हो। खान साहब ने ये कहा है कि चोरों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक हमारी मदद करे। बिल्कुल जी ये खान साहब ने कहा है, यानी कि उनका मतलब है कि फौजियों से पैसे निकलवाने के लिए पब्लिक मदद करे। चोरों क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, चोर तो नहीं, मतलब फौजियों के पास है ना वो जो रिटायर्ड हो गए, नहीं सॉरी मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं हूँ ये खान साहब ने, लेकिन चोरों कहा है, पता नहीं खान साहब क्या कहना चाह रहे थे, अपनी कैबिनेट को कह रहे थे या पता नहीं आसिम सलीम बाजवा का नाम ले रहे थे या पता नहीं दूसरे जो रिटायर्ड है ना जिनका आइलैंड भी है और जिनके फ्लैट भी है उधर 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 उधर, तो पता नहीं उनको कह रहे हैं किसको कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ना बजाय इसके कि सही सही डिपार्टमेंट लिखता है किस जगह की बात हो, इन्होंने चोरों लिख दिया। वो अक्सर में आप समझ जाए ना कुछ चीज़ें, आप लोग खुद भी समझ जाए, हर चीज मुझी से कहलवाना जरूरी क्या, मेरी सुपारी तो नहीं ली हुई आप लोगों ने। खैर हम बात क्रिकेट कुछ इसी तरह की हो गई है पाकिस्तान में और इसी तरह से लोग क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन साथ साथ जी भांग की काश्त से $2 बिलियन कमाए जा सकते हैं, यानी $2 बिलियन जो है वो भांग की काश्त करके आएंगे, ये कहना है जी शिबली फराज साहब का। तो मैं तो कहती हूँ शिबली फराज साहब डायरेक्ट कोकेन पे ही चले जाएं ना, कोकीन ले लें और उससे आप जानते ही हैं कि फिर तो बहुत पैसा आएगा, इतना आएगा कि हम, जैसे मैंने कहा था पहले भी, कि दूसरी कंट्रीज को भी देने लग जाएंगे। यानी वो जो कहते हैं ना भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान छिपा, मेरे ख्याल बच्चन साहब माइंड कर जाएंगे, इतना इतनी मैं बेसुरी हूँ। खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जी ऐसा नहीं है कि तमाशे सिर्फ हमारे यहाँ होते हैं, तमाशे आपके यहाँ भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, और हम अपने इंडियन दोस्तों को दिखाते हैं कि आपके यहाँ क्या होता है। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधु, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधू बोल रही हूँ, मिस यूनिवर्स बन गई। हरनाश कौर संधू, हमास संधू, हरनाश कौर संधू, हमास संधू जी। तो ये थे जी आपके यहाँ के लीडर, और बिल्कुल जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से नाम ले रहे थे, ऐसे इस तरह से गलत नाम तो हम पाकिस्तानी अक्सर लेते क्योंकि जाहिर है हमें उस तरह से आदत नहीं होती, लेकिन ये तो इंडियन, इनको तो सही नाम आना चाहिए था। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं,
उन्होंने जी सबका जो बैंक्स हैं, जो पाकिस्तान में बैंक हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है कि अब वो लोगों से जो है उर्दू में बात किया करेंगे। यानी उससे पहले ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमन या फ्रेंच में या जर्मन में बात किया करते थे। ऐसा खान साहब का कहना है कि जी अब उर्दू में बात होती है, तो खान साहब पहले कौन सी जबान में बात होती थी। लेकिन साथ साथ खान साहब ने ये भी कह दिया है, यानी कि इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया है कि जी आप लोगों ने, यानी कि बैंक्स ने जो है वो शलवार कमीज पहन के बैठना है। यानी अब वो कई अगले दिन ये ना कह दें कि जी नाइट सूट में ही आ जाए करें। बहुत से लोग तो आप जानते हैं ना धोती पहन के सोते हैं, तो वो धोती पहन के ही आ जाएंगे बैंक में काम करने के लिए। अजीब किस्म के लोग हैं वैसे। ये क्या बात हुई कि जी आप शलवार कमीज पहन के आए। कितने लोग स्मार्ट लगते हैं जब सूट पहन कर आते हैं या पैंट शर्ट पहन के आते हैं या टाई लगा कर आते हैं बैंक में, जो बैंक के वर्कर्स हैं तो स्मार्ट लगने में। खान साहब कहते हैं ना 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 ना, खान साहब ने कहना है कि जी शलवार कमीज पहन के अब सारे बैंक में जो लोग काम करते हैं बैंकर्स, वो सब शलवार कमीजें पहन कर आए। और जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम खान साहब ने ये कहना है कि जी अब आप लोग नाइट सूट में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरफ लेके जा रहे हैं खान साहब मुल्क को, ये आपको सोचना पड़ेगा। मगर खैर, हम एक पुराना क्लिप आपको दिखाते हैं शेख रशीद साहब का और उनके